पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के और आजकल स्पीकर की पोजीशन पर यहां के विधानसभा में निर्मल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं यहां जम्मू में। निर्मल सिंह जी, मेरा पहला सवाल यह रहेगा कि माहौल जैसा भी हो फिलहाल जम्मू में, भाजपा के लिए आप कितना मानते हैं ये कितनी बड़ी जीत है और कितना बड़ा टेस्ट है? देखिए, ये जो है 70 साल का जो हमारा सपना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा जो जम्मू के थे उनसे लेके और आज तक जो सपना था हमने देखा था, तीसरी पीढ़ी के बाद ये सपना जो है साकार हो रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी की लहर जम्मू में है, वो सिर्फ बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, आम जो नेशनलिस्ट हैं चाहे वो जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, उनमें बहुत बड़ी एक खुशी की लहर है कि ये जो है जो एक मूल रूप से जो कश्मीर समस्या का जो जड़ थी उसको आज उखाड़ के फेंका है। ये आप कैसे कहेंगे सर कि जड़ थी जो कश्मीर समस्या की वो हल हो गई है? देखिए, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते हुए जम्मू में स्टेट विद इन द स्टेट यो क्रिएट किया गया था। एक इसका साइकोलॉजिकल मैसेज था, एक तो साइकोलॉजिकल मैसेज कि पूरे देश के लोग कहते थे कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे नहीं हाँ हिंदुस्तानी है लेकिन हम स्पेशल हैं, इसका मतलब हम डिफरेंट है। स्पेशल होने के नाते कितना फायदा है उस पर तो डिबेट हो रही है और हमारा मानना है बिल्कुल उसने नुकसान ही किया, लेकिन साइकोलॉजिकल मैसेज दिया कि हम अलग हैं, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान को ये एक मैसेज दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज देने इससे गया कि नहीं, जम्मू कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये डिस्प्यूट है, इसलिए उनको थोड़ा सा अलग से कानून के तहत उससे डील किया जाता है, पाकिस्तान तक देते रहता। तो ये भी एक मैसेज है, कश्मीरियों को भी ये मैसेज दिया। आज जो लोग जो हैं, क्या मैसेज दिया? मैसेज दिया भी नहीं, हम हिंदुस्तानी आप नहीं हो पूरे यहाँ, अच्छा, पाकिस्तान की तरफ, हाँ नहीं पाकिस्तानी नहीं, यहाँ के लोग जो सेपरेटिस्ट हैं, अच्छा। वो क्या कहते थे, ये भी जो है पाकिस्तानी करेंसी को यहाँ लागू करने की बात होती, ज्वाइंट करेंसी की बात यहाँ थी, ज्वाइंट करेंसी का मतलब अगर पूरी सार की करेंसी होती तो बात अलग होती। तो भारत सरकार का क्या मैसेज गया है सर फिर जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए जहां भी कम्युनिकेशन बंद है? देखिये, मैसेज साफ है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो है, एक इंस्ट्रूमेंट था, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजन, उसको हमने एक्सपेरिमेंट किया 7 साल। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से यह मानना था कि इसने जम्मू कश्मीर को भी, देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी डिबेट हुई 70 साल। आज लोगों को समझ आया कि नहीं, इसने सचमुच में नुकसान किया, इसको जाना चाहिए। तो वो जो प्रोविजन था, जो टेम्परेरी था, आज उसको हटाने की प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है और इससे आने वाले वक्त में जो है जम्मू कश्मीर को वो सारे लाभ मिलेंगे, वो सारी जो है फैसिलिटीज मिलेंगे जो बाकी देश के हिस्से के लोगों को मिलती हैं। एक चीज जरूर क्लैरिफाई करें, अब जो मुद्दा है कि यहां पे हमने जश्न भी देखा, हमने सपोर्ट भी देखा है मोदी सरकार के लिए, पर मैंने कहीं एक वो कॉशन भी नोटिस किया, लोग जरूर अप्रिशिएट करते हुए कह रहे हैं मगर ऐसा ना हो कि हमने स्पेशल प्रिविलेज तो दे दी पर इन रिटर्न क्या हमारे लिए कोई प्लान है, क्या प्लान है, हमें डेवलपमेंट किस तरह होगा, कहीं ऐसा ना हो कि यहां पे बहुत ही लोग आके बस जाएं और जो लोकल जम्मू के लोग हैं वही कहीं बाहर हो जाएं या कम हो जाएं? देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार की रिप्रिहेंशन हिमाचल में भी रहती है, पंजाब में रहती है, देश के बाकी हिस्सों में भी रहती है, उसके लिए कई प्रकार के कानून हैं। डोमिसाइल एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इस प्रकार की बातें वो होंगी, उसके प्रोटेक्शन मिलेगी, सब कुछ होगा। आप कह रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं लोगों को कि ये ऐसा है, डोमिसाइल का ऑप्शन रहेगा, पार्टी की तरफ से हम इसको प्रपोज कर रहे हैं और डेफिनेटली जो है आने वाले वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट के ध्यान में भी ये सारी बातें हैं, नंबर वन। नंबर टू जो है, एक बार और इसमें जोड़ूंगा मैं, क्योंकि कितने परसेंट नौकरियां हैं, 4% नौकरी सरकारी नौकरियां, 4% है, ज्यादा से ज्यादा यहां 6% होंगी, लेकिन 94% जो है, 94% लोग कहां जाएंगे? तो इसके जाने से बाहर से प्राइवेट सेक्टर यहां पर आएगा। आज बिरला मिल जो है, जस्टन आर्ट टेक्सटाइल मिल कठुआ की है, 10,000 लोगों को रोजगार देती है, जिसको शेख अब्दुल्ला साहब ने स्पेशल कंसेशन देके उनको अलाउ किया था यहां पर जमीन लेने का। अच्छा, आज उसको इतनी बड़ी रोजगार दे रहे, तो जब फैक्ट्रीज आएंगी तो वहां पर हमें रोजगार मिलेगा। दूसरा, जमीन जो बेचना चाहेगा तभी तो कोई लेके ले सकेगा।
आज गरीब आदमी जमीन बेचता है मजबूरी से, गरीब को बेचता है जिसको उसको दाम नहीं मिलते। आने वाले वक्त में कोई गरीब है अगर अपनी जरूरत के लिए जमीन बेचता है या अपने फायदे के लिए बेचता है तो उसको दाम देने वाले 10 गुना 20 गुना ज्यादा दाम देने वाले जो हैं सामने आएंगे। तो ये जो डर है सर कि रियल एस्टेट के बिल्डर्स आ जाएंगे यहाँ पे और बिल्कुल जम्मू बदल जाएगा, तो ये जो डर है उसको भाजपा और भाजपा के नेता होते हुए आप किस तरह सरकार को बताएंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, उस पर क्या ऑप्शन है भाजपा? देखिए ये जो डर है ये डर क्रिएट किया गया है उन लोगों के द्वारा जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, और यहां के कांग्रेस के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये डर पैदा किया कि नहीं आपकी नौकरियां चली जाएंगी, पंजाबी बस जाएंगे, आपके जो है बाकी चीजें हो जाएंगी। मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए होगी, क्योंकि ये लोग हैं जो उग्रवादियों को तो इन्वाइट करते हैं, ये अलगाववादियों को तो इन्वाइट करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान की बात यहां करते हैं, और जब भारत की बात होती है और जो गैर कानूनी नहीं होगी, जो भी होगा कानून के दायरे में होगा, अगर जमीन मेरी है, मालिक हूं, बेचूंगा तो तभी तो खरीद सकेगा कोई। अगर नौकरियां हैं, अगर 4% अगर जो है, अगर मत 100 नौकरियां हैं या 50 नौकरियां हैं, उसके लिए अगर 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो बाहर से अगर करेंगे भी तो 1000-2000 करेंगे। इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान अभी बना है सर, कुछ आप हमें बता सकते हैं ऐसा कुछ पाइपलाइन में है अगर? नहीं देखिए, अभी जब हमारी सरकार भी थी हमने कोशिश तो बहुत की कि इन्वेस्टमेंट भी यहां पर आए, लेकिन लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं है? यहां के लैंड लॉज ऐसे हैं, यहां की जो है माहौल ऐसा है जिसके कारण बाहर इसको इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन अभी माहौल भी बनेगा और लैंड लॉज में भी थोड़ा फर्क आएगा, और जब यहां के लोग चाहेंगे कि हां हमारी जमीन के ऊपर आप कोई फैक्ट्री लगाओ, जब देंगे तभी तो वो खरीदने वाले खरीद सकेंगे। सर एक आखिरी सवाल, जम्मू के अलावा जो कश्मीर पे एक क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जिस तरह से बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया, अब 2 दिन हो गए, और एक अरेस्ट कर दिया है सारे नेता, उन नेताओं को भी जो इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते थे, तो इस हिसाब से ये मैसेज जाता है कि सर क्या सरकार कश्मीर के लोगों के लिए बिल्कुल केयर नहीं करती, क्या भाजपा केयर नहीं करती कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए केयर करती है, तभी तो ये सारा जो है उनकी प्रोटेक्शन की है। ये जो नेता है जो कह रहे आप के जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके स्टेटमेंट्स पढ़िए, कह रहे थे कि हाथ नहीं चलेंगे, पूरे का शरीर जला देंगे, महबूबा जी का स्टेटमेंट है, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट क्या है, हुर्रियत के लोग क्या कह रहे थे, तो ये लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, और इसलिए उनको कुछ देर के लिए जब तक यहां पर शांति नहीं होती, तो अगर सिक्योरिटी वालों ने या पुलिस ने उनको थोड़ा सा प्रिवेंट किया है बाहर जाने से, ऐसे तो हम भी ओपनली नहीं, यहां 144 है अभी भी, हमारी भी सिक्योरिटी जो है, हमें बाहर आ जा तो सकते हैं, वो भी आ जा सकते हैं, पर कश्मीर के लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि सर हमको इतना दबा के और बंद करके रख दिया, तो ये किस तरह से डिसीजन लिया? नहीं, कोई बंद नहीं किया है, सिर्फ 144 है कि लोग असेंबल ना हो, और इनकी फोन बंद है सर, सब टीवी वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि जब उग्रवादी बुरहानवानी मारा गया था तो किस प्रकार से फोन का यूज करते हुए इन लोगों ने ही जो है किया और इकट्ठे हो गए और कितने लोग मारे गए थे, तो आज दूसरा दिन है, कल राज्यसभा ने इस बिल को पास किया, आज लोकसभा पास करने जा रही है, अभी तक कोई इंसिडेंट जो हुआ नहीं है, वो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, जहां शांति बनी रहे उसके लिए है, और जो लोग जो इसके लिए चलाहट कर रहे हैं वो जो है उनको समझना चाहिए कि नहीं, ये यहां के लोगों की जो है भलाई के लिए है, और जिस दिन शांति हो जाएगी सब कुछ है उस दिन अपने आप सारे उनको जो है पूरा जहां से वो हटा दी जाएगी जो भी करना है। निर्मल सिंह जी, जम्मू के नेता जरूर हैं पर इनका मानना है कि सरकार का प्लान है जम्मू कश्मीर के लिए, और निर्मल सिंह जी यूनियन टेरिटरी बनने वाली है, तो आप शायद लास्ट स्पीकर हो राज्य जो जम्मू कश्मीर का था, तो किस तरह से यूनियन टेरिटरी को आप देखते हैं? यहां यूनियन टेरिटरी होगी और इसमें असेंबली भी होगी, असेंबली में स्पीकर भी होगा और चीफ मिनिस्टर भी होगा, जैसे दिल्ली का हम हाँ लगभग दिल्ली का जैसा होगा। हाँ, 2-3 चीजें हैं, जैसे पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर है। आज यहां प्रॉक्सी वार चल रही है, प्रॉक्सी वार के मद्देनजर जो है वहां पर बॉर्डर के ऊपर तो हम डील कर सकते हैं क्योंकि आर्मी है, बीएसएफ है, इंटरनल सिक्योरिटी को केंद्र डील नहीं कर सकता था, इसलिए आज वो पावर जो है केंद्र के पास जाएगी और जहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उसके पास आएगी, जिससे पुलिस का कंट्रोल, आपको याद होगा हमारी सरकार के वक्त
जो था, जब थोड़ी सी बात आर्मी की हो जाती थी, हमारे जो है यूनिफाइड कमांड में या कैबिनेट में तो कोई ऐसी बात नहीं होती थी, पीछे से उनको डायरेक्शन जाती थी फौज वालों के ऊपर एफआईआर लगा दो। तो आप कह रहे सिक्योरिटी हाथ में है, अब यूनियन गवर्नमेंट की उससे फर्क पड़ेगा। प्रॉक्सी वार को डील करने के लिए, फर्मली डील करने के लिए ये बहुत ये होगा। और गृहमंत्री जी ने, अमित भाई शाह ने यह कहा है कि जिस दिन हालात नॉर्मल हो जाएंगे उस दिन हम फुल फ्लेश स्टेट जो है जम्मू कश्मीर बनेगा। अब पता नहीं सर फिर स्टेट बनेगा या वो 70 साल की तरह जो यूनियन यूएन जाने का डिबेट था वो रहेगा। लेकिन निर्मल सिंह जी का कहना है कि प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ लड़ाई है, कश्मीरियों के खिलाफ लड़ाई नहीं है ये, और ये अब पूरा जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का एक प्लान है, विजन है। अब सवाल यही है क्या ये टेस्ट जो है नहीं लगाएंगे? जी सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस ने टेम्परेरी कहते हुए और नेहरू जी ने घिसते घिसते घिस जाएगी 70 साल लगाए, लेकिन हम 5 साल के अंदर अंदर आप तो देखेंगे, आपको आएगा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर जो है फुल फ्लेश स्टेट फिर बनेगा। 70 साल और 5 साल किस पार्टी या किस सरकार ने अपनी तरफ से वो जीत दिखानी है, या किस तरह से लोगों का दिल जीतेंगे और यहां पे जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली सालों तक वो मिलेंगी। जम्मू से कृष्ण कुमार के साथ पूजा शाली आज तक।